सरकारी अस्पताल का स्टाफ मरीजों से मांगता है पैसे। डिलीवरी को भर्ती होने आई महिला को कराया घंटों इंतजार। प्रसव में देरी के कारण मृत पैदा हुआ बच्चा। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी तहसील क्षेत्र के महानंदपुर डोंडा गांव के रहने वाले लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर भ्रष्टाचार और चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि महानंदपुर डोडा गांव से एक महिला प्रसव पीड़ा से कराहती हुई अस्पताल पहुंची थी। रात को लगातार दर्द से कराहने के बावजूद भी नर्सिंग स्टाफ ने महिला को भर्ती नहीं किया और 1000 रुपए की मांग की। महिला थी जो भावी थी उनको क्या उन्होंने भर्ती नहीं करा और 1000 रुपये की मांग कर रही थी। उमा शर्मा नाम की मैडम थी, उन्होंने नर्सिंग स्टाफ था, उन्होंने 1000 रुपये की मांग करी। उसके बाद उनको भर्ती करने की बोली कि इमरजेंसी के अंदर रात के अंदर 1000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बोला सामान्य वार्ड के अंदर भर्ती कर दो। सामान्य वार्ड के अंदर हमने वैसे ही नॉर्मल उन्होंने रख दिया ले जाकर। फिर उसके बाद उनकी ब्लीडिंग होने लगी। हमारी माँ बार बार गई नर्सिंग स्टाफ के पास, लेकिन उन्होंने एक बार नहीं सुनी। आखिरकार फिर वो तो सुबह 6:30 बजे छोड़कर मैडम तो चली गई। उसके बाद दूसरा नर्सिंग स्टाफ आया, उन्होंने इस डिलीवरी को कराया। कराने के बाद बच्ची जो पैदा हुई वो मरी हुई पैदा हुई। ठीक है, जो भी आपके अनुसार जो भी आपकी मैडम या कोई भी आपका स्टाफ है वो यदि दोषी है तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके हमारे लिए न्याय दिया जाए। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरफुद्दीन खान। क्या लगती है पीड़िता आपकी? भाभी है मेरी। ठीक है, परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बमुश्किल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाने के बावजूद भी चिकित्सकों ने उसकी सुध नहीं ली तथा डिलीवरी के पश्चात बच्चा भी मृत पैदा हुआ। इससे परिजनों में चिकित्सकों के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर के परिजनों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर मामले में दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रुखसार पत्नी मोहम्मद आरिफ की डिलीवरी सुबह 7:40 पे लड़की हुई है जी। तो 6:40 पे डिलीवरी हुई है, लड़की हुई है उसके। तो माँ को मैंने देख लिया है, माँ को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बच्ची को मैंने देखा तो बच्ची के चमड़ी पपड़ी उपड़ी हुई थी, तो उससे पता चला बच्चा पहले से पेट में ख़त्म था। तो हमने तुरंत बच्चे को डॉक्टर को दिखा लिया है, तो उन्होंने भी देखने के बाद ये कहा कि भाई बच्चा लगभग 16 से 24 घंटे पहले बीच में ख़त्म हो चुका है। सर, रुखसार वाइफ ऑफ आरिफ, उनके परिजनों ने सीधे सीधे नर्सिंग कर्मी महिला पर आरोप लगाया है कि लापरवाही के चलते ये सब हुआ है। नहीं, लापरवाही का तो कोई इश्यू है नहीं, क्योंकि जो बच्चा डिलीवरी हमारे यहाँ होगी, माँ को अगर लापरवाही होती तो माँ को कोई दिक्कत होती तो माँ को कोई दिक्कत है नहीं। बात लड़की डिलीवरी हुई है, डिलीवरी हमारे नॉर्मल हो चुकी है। अब बच्चा पहले से पेट में मृत था तो वो तो है उसका बच्चे डॉक्टर हमने सपोर्ट कर दिया। बच्चे डॉक्टर देखने बाद यही कहा कि भाई बच्चा पहले से पेट में। दूसरा आरोप यह है कि सर उनसे 1000 रुपये रिश्वत मांगी गई है। नहीं नहीं, इस बारे में ऐसा कोई मुझे सूचना है भी नहीं और ऐसा कुछ लेबरों में किसी से कोई लेन देन संबंधी कोई बात नहीं। दूसरी ओर चिकित्सक का कहना है कि महिला को प्रसव पीड़ा होने के उपरांत उसकी गंभीरता पूर्वक डिलीवरी की गई, लेकिन बच्चे की पेट में ही मौत हो गई थी। इसके अलावा महिला की डिलीवरी भी सामान्य हुई है और महिला भी खतरे से बाहर है। टाइमेट राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से साकेत जोशी की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइमेट राजस्थान। टाइमेट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।